नया नगर वासियों को और मीरा भायंदर शहर वासियों को अपील करता हूँ कि कोरोना वायरस 23 जनवरी को चीन में चालू होने के बाद में 2 महीने हुए हैं और 10-15 दिन से अपने यहाँ पे भी शुरू हुआ है। वो हम लोग तीसरे स्टेज में जाने की तैयारी में है। नया नगर वालों से मैं कंटिन्यू टच में हूँ। यहाँ की मस्जिदें बंद हो चुकी है उसकी वजह से, लेकिन कर्फ्यू लगने के बावजूद लोगों ने संडे को जो सपोर्ट किया, कर्फ्यू को जो सपोर्ट किया, और शाम को जो लोग नारे बजा के या पिकनिक जैसे बाहर आ रहे थे, वो एकदम गंदी हरकत थी। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोरोना से अगर हमें बचना है तो हमें गर्दी से दूर जाना है। इसलिए पंतप्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री और गृह मंत्री, यहाँ के लोकल आमदार, इन्होंने भी आपसे बार बार अपील की है कि आप लोग अपने घर पे रहिए। आप अगर घर पे है तो आप सुरक्षित है। जरूरत की चीजें हर रोज मिलेगी, टाइम टू टाइम मिलेगी। मैं सुबह से लेकर शाम तक रोज आपको बता रहा हूँ, घर घर जाके सोसाइटी में जाके बता रहा हूँ। मैं सभी नगर सेवकों को मिलके, मैं नगर सेवक भी आपको हेल्प कर रहे हैं, लोकल नेता लोग आपसे हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आप लोग पैनिक हो रहे हैं। तो मैं आपको आह्वान कर रहा हूँ, नया नगर वासियों को, मीरा भाईंदर वासियों को, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जरूरत की चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, सुबह शाम मिलती रहेगी। किराना दुकान, दूध, क्लिनिक, पैथोलॉजी, डेयरी, ये कंटिन्यू चालू रहेगी। खाली आपको इतना करना है कि आप अपने घर पे बैठे रहिए और जरूरत की चीजों के लिए आप एक आदमी घर के बाहर आ सकता है और वो लेके तुरंत घर के अंदर में जाए। आने जाने के लिए आप अपने मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। सांगली में एक मौलानी जी को शायद कोरोना वायरस का रिजल्ट शायद आया है, उसकी वजह से 4 लोग वहां पे पाए गए हैं कोरोना वायरस की तरफ से। तो मेरी अपील ये रहेगी, आप जितना एक दूसरे से अलग रहेंगे उतना सेफ रहेंगे, और बेटर है अपने घर पे अगर रहेंगे तो हम लोग अपने सेफ रहेंगे। अगर आप लोग सुरक्षित है तो अपना नया नगर सुरक्षित है, हमारी कम्युनिटी सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है, हमारी जाति पाति सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है। तो हमें देश सुरक्षित रखने के लिए आज हमें अपने घर पे रहना है, घर के बाहर नहीं निकलना है। अगर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भारतीय एक साथ है, तो अभी यह समय है कि हम लोग एक साथ रहे, घर के बाहर न निकले। स्थानीय प्रशासन ने जो भी निर्देश दिए है, जो भी नियम उन्होंने बनाए है, वो सब आप लोगों को फायदे के लिए। कोई भी ये नहीं चाहता है कि आप लोगों को तकलीफ होए। तो आप लोग भी पैनिक न होते हुए अपने घर पे बैठे रहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग अपने घर पे बैठे रहिए। जब बाहर आग लगी है तो आपका काम है आप अपने घर पे सुरक्षित बैठो। अगर घर में आग लगती है तो हम लोग बाहर दौड़ते, घर में नहीं बैठे रहती। अभी हम लोग आपसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग घर पे बैठो, ताकि बाहर जो आपके लिए काम कर रहे, जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे, उसमें पुलिस प्रशासन है, महानगर पालिका है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इतर बड़े वरिष्ठ अधिकारी है, तो उन वो लोग अपना काम ठीक तरह से कर सके। तो नया नगर वासियों, फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा, आपको घर के बाहर बार बार आने की जरूरत नहीं है। नौजवान लोग ध्यान में रहे, अपना मोटरसाइकिल का गलत इस्तेमाल मत करो। मोटरसाइकिल ये टाइम घूमने के लिए नहीं है। अगर 15 दिन 20 दिन 21 दिन हम लोग घर पे रहेंगे तो आगे हमको घूमना ही है, लेकिन आगे अगर घूमना है तो अभी हमें घर पे बैठना है। वापस एक बार कहूंगा, आप स्थानीय प्रशासन को हेल्प कीजिए, पुलिस को हेल्प कीजिए। पुलिस आपसे आह्वान कर रही है देश बचाने के लिए। मैं नया नगर में नहीं चाहता कि मेरे यहाँ पे कोई पॉजिटिव मिले, कोरोना कोई पॉजिटिव मिले तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कृपया 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 अपने घर पे बैठिए। बूढ़े लोग घर के बाहर ना आइए, बच्चे लोग अपने प्रांगण में, अपने आंगन में ना खेले। महिलाओं से निवेदन है कि अपने पति, अपने भाई, अपने दोस्तों से कहे कि वो घर पे ही बैठे, घर के बाहर ना निकले, और स्थानीय प्रशासन को हेल्प करे। आज शाम को 5 बजे के बाद में
या रोज शाम को कोई भी घर के बाहर ना निकलेगा, जरूरत के चीजों के लिए निकलेगा। सोसाइटी के सेक्रेटरी चेयरमैन से भी मेरा अपील रहेगा कि वो अपनी अपनी सोसाइटी को लॉक करे, किसी को बाहर आने मत दे। अगर बाहर आने का है तो एक आदमी आएगा, जरूरत की चीज लेगा, अपने घर पे वापस जाएगा और घर के अंदर में ही रहेगा। अगर कुछ भी जरूरत है तो हमारे नंबर जो है 24 घंटे अवेलेबल है। अगर इमरजेंसी है तो आप लोग कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर अवेलेबल है, बहुत सारे नेताओं का नंबर अवेलेबल है, आपको उचित हेल्प मिलेगी। मैं ये उम्मीद करता हूं आज शाम से नयानगर वासी दिखा देंगे कि हम सब एक साथ है और हम नयानगर पुलिस के साथ में, स्थानीय प्रशासन के साथ में, हम हमारे देश के साथ में।